गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने शुरू किया था अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि एक सीधा धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करता है, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वृत्ताकार पास जो होता है वह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करता है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक प्रणालिका क्या होती है और एक प्रणालिका चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करती है और उसकी व्यवस्था क्या होती है और वो किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो चलो देखते हैं हम कि एक प्रणालिका होती क्या है। देखो, एक प्रणालिका जो होती है, प्रणालिका अत्यधिक कुंडलियों वाली, ये कोई तार है, कोई इंसुलेटेड कॉपर वायर है। अगर हम इसको ऐसे कुंडलियों के रूप में लपेट दें तो इस प्रकार बनने वाली एक संरचना को हम बोलते हैं क्या, इसको हम कहेंगे भाई प्रणालिका। कौन सी? ये जो प्रणालिका है इसको प्रणालिका कहेंगे। नीचे जो मैंने ये तो बैटरी जोड़ी है मैंने, वैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए, तो जो ये चीज बनती है, मान लो आप लोगों के पास ये पेन ही है, इस पेन के ऊपर कोई वायर लपेट दो ऐसे ऐसे स्प्रिंग के रूप में, तो फिर उसको निकाल लो तो जो बन जाएगी उसको बोलते हैं प्रणालिका। तो प्रणालिका क्या होगी? पास पास लिपटी हुई अत्यधिक कुंडलियों वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं? प्रणालिका। अब ये प्रणालिका चुंबक के क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करती है वो हम पढ़ेंगे। देखो, जिस प्रकार एक क्षण चुंबक चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से एक प्रणालिका चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब मैंने ये बताया था आपको कि ये जो वृत्ताकार पास है यह है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसके दो फेस होते हैं, एक नॉर्थ फेस और एक साउथ फेस। तो इसका नॉर्थ और साउथ फेस को हम, उसके लिए रूल बताया था, क्लॉक फेस रूल से हम नॉर्थ और साउथ फेस को बता सकते हैं। अब देखो, इसका एक नॉर्थ है एक साउथ है, और बार मैग्नेट जो थी छड़ चुंबक, उसमें भी एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। अब अगर इसी वृत्ताकार पास की कुंडली में एक और कुंडली जोड़ दे थोड़ी इससे आगे, फिर उसमें एक और जोड़ दे उससे आगे, इससे आगे, उससे आगे, तो इसका सामने वाला एक फेस बनेगा, फिर उन दो तीन के पीछे वाला भी एक फेस बनेगा। मतलब ये वही वैसी जो संरचना बनी है, मतलब जिस प्रकार ये वृत्ताकार पास है, तो एक वृत्ताकार पास के आगे दूसरा पास, तीसरा पास ऐसे जोड़ देंगे तो ये प्रणालिका ही तो बन जाएगी। अब इसमें जब एक पास के दो सिरे थे तो इन सभी के फिर दो ही सिरे हो जाएंगे। मतलब इस प्रणालिका का एक सिरा इस साइड है, एक दूसरी साइड है। या कहने का मतलब ये कह लो कि जिस प्रकार एक छड़ चुंबक होती है, जैसे ये छड़ चुंबक है, इसका एक सिरा नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व्यवस्थित होती है, उसी प्रकार प्रणालिका में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं व्यवस्थित होंगी। मतलब वो इसके एक सिरे से निकलती हुई प्रतीत होंगी और दूसरे सिरे से तक पहुंचेगी, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये एक सिरे से निकलेगी और दूसरे सिरे पे मर्ज होंगी, ये इनकी डायरेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की व्यवस्था हमने देखी थी छड़ चुंबक में, तो हम क्या कह सकते हैं, एक प्रणालिका एक छड़ चुंबक की तरह कार्य करती है। जिस प्रकार छड़ चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, उसी प्रकार एक प्रणालिका में भी दो सिरे होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव, जो जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसको हम कहेंगे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और जहां मर्ज करेंगी उसको बोलते हैं साउथ पोल। सारे के सारे गुण वही होंगे, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक होंगी तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होगा, और दूर दूर होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। अब इसमें देखो, अंदर प्रणालिका के अंदर जो होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनके बीच में समान दूरी होती है, मतलब ये बिल्कुल पैरेलल होती है, तो हम क्या कहेंगे, ना तो इनमें क्लोज है ना ये ज्यादा दूर है। तो यहाँ इसके अंदर प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है एक जैसा हर पॉइंट में, क्यों? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना तो दूर है, ना तो एक दूसरे के नजदीक है, ना बिल्कुल दूर है, सबकी दूरी समान है, इसके अंदर की बात बता रहा हूं। तो इसलिए प्रणालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर एक बिंदु पे एक समान होता है,
ठीक है भाई। उसके अलावा जो चुंबकीय क्षेत्र के गुण क्या होंगे, वो वैसे ही है जैसे छड़ चुंबक के होते हैं, मतलब उनकी दिशा वही होगी, बाहर जो होगी वो उत्तर से दक्षिण की तरफ और अंदर होगी दक्षिण से उत्तर की तरफ। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक घनी होंगी वहां पे उनकी स्ट्रेंथ, चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और जहां पे ये दूर दूर होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होगा। ठीक है, ये छड़ चुंबक की तरह कार्य करेगा। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको धागे से बांध के ऐसे लटका दे तो ये भी हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, ये प्रणाली का। अब निर्भर किस पे करता है, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किस पे निर्भर करेगा, वो निर्भर करता है एक तो विद्युत धारा पे ही। मतलब क्या, अगर विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। दूसरा किस पे निर्भर करता है, दूसरा निर्भर करता है इसमें जो कुंडलियों की संख्या, मतलब जो ये कुंडलियां बनाई गई है, जैसे जैसे कुंडलियों की संख्या बढ़ती है तो विद्युत धारा, सॉरी इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है, कुंडलियों की संख्या। तो कुंडलियों की संख्या बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाता है। ठीक है भाई, तो इन बातों पे चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, ये बात याद रखना। इसके अलावा अब अगर हम इस कुंडली के अंदर कोई चुंबकीय पदार्थ रख दे, जैसे हमने कोई मुलायम लोहे का टुकड़ा इसके अंदर रख दिया, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो इसके अंदर मौजूद है, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण वह जो लोहे का टुकड़ा होगा वह चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा, और उस प्रकार बनने वाले चुंबक को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब विद्युत चुंबक। तो इसके अंदर जो लोहे का टुकड़ा रखा जाएगा, जैसे मान लो ये हमने कोई लोहे का टुकड़ा इसमें रख दिया और इसके ऊपर कुंडली लपेटती हुई है, तो ये जो लोहे का टुकड़ा है ये चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये लोहे का टुकड़ा किस प्रकार का है, कैसी इसकी प्रकृति है, तो चुंबक, ये बनने वाले चुंबक इसकी प्रकृति पे निर्भर करती है कि अगर ये सॉफ्ट होगा तो ये अधिक स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाएगा, मतलब अधिक प्रबल। अगर ये कोई थोड़ा सा मुलायम नहीं होगा, मुलायम मतलब कठोर होगा, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक नहीं बन पाएगा, समझ गए। तो यहां पे इससे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में इन चीजों पर निर्भर करेगा, लेकिन अगर हम इस प्रणाली का द्वारा कोई विद्युत चुंबक का निर्माण करना चाहते हैं तो उस विद्युत चुंबक की जो प्रबलता है वह उस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करेगी। ठीक है, तो विद्युत चुंबक क्या होता है, तो विद्युत चुंबक का क्या मतलब हो गया भाई, विद्युत चुंबक का मतलब हो गया कि विद्युत द्वारा बनने वाला चुंबक। जैसे प्रणालिका है, तो प्रणालिका में अगर हम कोई मुलायम लोहे का टुकड़ा रख दे तो वह टुकड़ा मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब चुंबकीय हो जाएगा, और इस प्रकार बनने वाले चुंबक को ही हम विद्युत चुंबक बोलते हैं। इसको विद्युत चुंबक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है यह लोहे का टुकड़ा, तब तक चुंबकीय रहता है। जैसे ही हमने विद्युत धारा को बंद कर दिया यह चुंबकीय नहीं रहेगा। बात समझ में आएगी। अब देखो विद्युत चुंबक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टुकड़ा ही शामिल है, कि ये जो अंदर लोहे का टुकड़ा डाला है यही चुंबक, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, नहीं, ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो बनेगी, मतलब लोहे का टुकड़ा और इसके ऊपर जो कुंडलियां लिपटी होंगी उस पूरी व्यवस्था को हम क्या कहेंगे, विद्युत चुंबक का नाम देंगे। अब विद्युत चुंबक की क्षमता किस पर निर्भर करती है, मतलब उसकी पावर, वो प्रबल अधिक होगी वही विद्युत धारा पे, कुंडलियों की संख्या पे, और जो इसके अंदर जो पदार्थ रखा हुआ है उसकी प्रकृति पे निर्भर करती है, किसकी क्षमता, बढ़ने वाले चुंबक की क्षमता। अब जो इसके दोनों पोल होते हैं, ये जो सिरे हैं, अगर इनके बीच में गैप अधिक है तो ये थोड़ी दुर्बल चुंबक बनेगी। जैसे एक तो सिरा ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ है, तो ये दूर दूर है, इनके बीच में हवा का गैप ज्यादा है, तो इसलिए इसकी क्षमता, मतलब इसकी स्ट्रेंथ होगी कम, ये दुर्बल चुंबक बनेगी। लेकिन अगर इसके दोनों सिरों को हम नजदीक नजदीक ले आए, ऐसे ये लोहे का टुकड़ा है इस प्रकार, और इसके ऊपर हमने कुंडली को लपेट दिया है ऐसे, इसको चुंबक बना दिया है, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। अब देखो इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो हवा का गैप है ये कम है, तो ये एयर गैप कम होने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है,
इसलिए हम इसको ऐसा रूप दे देंगे जिससे इसकी क्षमता और बढ़ जाए। बात समझ में आई? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है? एक तो इसकी प्रकृति पर निर्भर करती ही है, जो इसमें बता रहा है इसके बीच में, इसके दो सिरों के बीच में जो एयर गैप होता है उसके ऊपर भी निर्भर करती है। जितना एयर गैप कम होगा उतने ही इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक, अब प्रश्न आ जाता है कि हम विद्युत चुंबक बनाने के लिए मुलायम लोहे का टुकड़े का प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्योंकि भी जो मुलायम लोहे का टुकड़ा होगा ना, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक बन जाएगा। जैसे ही विद्युत धारा बंद हो जाएगी उसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, मतलब वो दोबारा से अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हमने कठोर चुंबक का टुकड़ा या कोई दूसरा पदार्थ ले लिया, जैसे स्टील ले ली, और उसमें विद्युत धारा, उसको अपनी नालिका में रख के विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे तो वो चुंबक बन जाएगा। लेकिन विद्युत धारा बंद करने पर दोबारा से नॉर्मल नहीं होगा, मतलब वो परमानेंट चुंबक में बदल जाएगा, फिर बाद में भी चुंबक ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम मुलायम लोहे के टुकड़ा या सॉफ्ट आयरन पीस का प्रयोग करते हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए। विद्युत चुंबक के बहुत सारे प्रयोग हैं। डॉक्टर प्रयोग करता है, आंख में अगर कुछ चला जाए, कोई लोहे की चीज चली जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। कूड़े में से लोहे की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, निकालने के लिए इस विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। इसके अलावा जो हमारे उपकरण होते हैं, टीवी, फ्रिज और LED वगैरह, इन सभी में विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। ठीक है भाई, विद्युत चुंबक और क्षण चुंबक में परमानेंट चुंबक में बहुत सारे अंतर हैं। परमानेंट चुंबक तो परमानेंट ही है, मतलब वो तो हमेशा चुंबक ही रहेगी, लेकिन विद्युत चुंबक जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होके तब तक चुंबक रहती है। विद्युत धारा बंद होने पर उसका चुंबक तो खत्म हो जाता है। ठीक है, परमानेंट चुंबक की जो क्षमता होती है वो फिक्स होती है, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन विद्युत चुंबक की क्षमता को हम घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा बढ़ेगी तो चुंबक तो बढ़ जाएगा और घटेगी तो घट जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मतलब इसके अंदर परमानेंट जो चुंबक है और विद्युत चुंबक में ये अंतर है कुछ। ठीक, तो इस वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को बस क्या, परिनालिका और विद्युत चुंबक। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।